तो हम लोग ना आ गए लोकेशन पे जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। वो बाइकें मैंने उधर खड़ी कर दी हैं, हमने यहाँ से जूस पिया और हमारा अब ट्रैक चालू। तो भाई अब अपना ट्रैक चालू हो गया है, तो अब कहीं रुकते हैं, रास्ते में कोई लोकेशन अच्छी दिखती है तो आप लोगों को दिखाते हैं। और ये सारी सीरीज ना आप लोग एपिसोड वाइज ही देखेंगे, ये कोई बड़ी सीरीज़ नहीं होगी, कोई बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, ये पूरी सीरीज़ है और ये 7-8 मिनट की सीरीज़ होगी और इसी तरीके से चलेंगी, पर डे आएंगी। मैं यहाँ से जाऊँगा तब वापसी, उसके बाद ये सब आएगा। गाइस देखो कितनी सुंदर भेड़े हैं यार, हाय हाय, हमारे ट्रैक के रास्ते में, पूरे रास्ते में भीड़ है, क्या लग रही है, सुंदर जबरदस्त। ऊपर पीक देखो, ऊपर कितना सुंदर लग रही है, मस्त बैठी हुई है, क्या चमक रही है, पसीने से तो ये खराब। इस वाली भेड़ ने तो पूरा पोज दे रखा है भाई। हम लोगों ने सुबह से भी कुछ नहीं खाया हुआ है और बस वैसे ही चल रहे हैं। और मेरे पीछे आपने देखा ना, अभी मैंने आपको भेड़ दिखाई, ये चेक करो, ये चेक करो गाइस। तो जो भी कंपनीज के साथ आता है ना, तो यहीं पे कैंप एरिया में ही वो स्टे करता है और उनकी सारी रहने की व्यवस्था यहीं पे करी जाती है। तो हम लोग अभी सीमा कैंप पे पहुँचे हैं और यहाँ की हाइट जो है वो 8200 फीट की हाइट है और 2500 मीटर है। और ये देखिए सीमा कैंप हम लोग पहुँचे हैं। जो हमारे गाइड अभी कुछ खाने का कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ खाने का, देखो कोई सुबह कुछ खाया नहीं है। और ये व्यू मजा ही आ रहा है गाइस, पूरा बने रहिए, कोई भी स्किप मत करना, बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। जो लक्की स्किप नहीं करना है, yes. मिस कर दोगे बहुत सारी चीज़ें। आपको यहाँ की रील्स फोटो सब कुछ आपको इंस्टाग्राम में मिलेगी और इंस्टाग्राम आईडी आप सबको पता है कहाँ पे आएगी, तो नीचे मिल जाएगी, सेम इंस्टाग्राम आईडी है, वहीं से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो रील और फोटोज़ देखने के लिए इंस्टाग्राम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और व्यू चेक करो गाइस, व्यू हमारे गाइड भैया बहुत मस्त है, तो ये हमारे लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं गाइड भैया हमारे, या थैंक यू यार दोनों। ओ बहुत गर्म है यार ये तो, हाँ इधर ही बैठते हैं। भैया हाथ जल गया था मेरा यार, ये देखो लाल हो गया। ओ भाई बहुत गर्म था यार ये, चम्मच धो दे थोड़ा, वहाँ बैठ के खाएंगे ना खाना। तो भाई यही है खाना यार, क्योंकि गाइड उनने भैया ने जुगाड़ करा ही दिया कुछ ना कुछ। चलिए अच्छी बात है, आपके आपके गाइड अच्छा होना चाहिए आपके पास। देखो किस लोकेशन बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग, इस लोकेशन बैठ के खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोगों को आवाज़ विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी ना, उसके लिए सॉरी। इसे खाते हैं फिर फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम पे पहुँचना भी ज़रूरी है। क्यों लक्की चम्मच धो ली? चलो भाई, तो लक्की भी आ गया है, फटाफट खाते हैं यहाँ पे और कुछ रील शूट करेंगे जो कि आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। तो गाइस ये चेक करो, तो गाइस ये चेक करो, ये देख रहे हो हिमालयन व्यू, वो भाग गए, बड़ा झूल रहा है, थोड़ी फट भी रही है इस पर चलने में, झूठ क्या बोल रहा भाई, लग रही है डर तो लग रही है, थोड़ा डर लग रहा था, तो लग रहा था अभी मुझसे तेज भाग गए आगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई हम लोग अभी यहाँ के गांव पहुँचे हैं और ये चेक करो भाई, ये नदी और वो जा रहे हैं आगे भाई, आज तो पता लग गया कितनी ताकत बची अंदर। यहाँ का गांव है, ये यहाँ की वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुलता है इसमें, ज़रूरत है।
आठ लग गई है यार, 6-7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करके आए, वो वाट लग चुकी है। मैं अपनी नी कैप भी भूल आया, एक्चुअली मेरे पाँव में चोट है और मेरे घुटने में भी, पंजे में भी। फिर मैंने हिम्मत करी है, हमारी फट गई है बहुत ही बुरी तरीके से। लक्की का फोटो सेशन चालू है, देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये है गाँव, बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं। हेलो, बिन भी ये दी, एक बार रुकना है बेटा, देता हूँ। अच्छा अच्छा चलो देखते हैं कितनी है, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, मैं देखता हूँ कितनी है ना, सबको एक एक मिलेगी, ठीक है। रुक जाओ एक एक करके, अरे ये लो, एक आपके लिए, एक आपके लिए, और ये होते हैं अच्छे बच्चे। बेन भी है तुम्हारी, अब नहीं है मेरे पास, ख़त्म। चलो कोई नहीं, खत्म बेटा, सब काफ़ी ख़त्म हो गई यार, बच्चों को देने का मन तो और था, तो ख़त्म हो गया। हमने भी 4-5-10 रुपया लिए थे रास्ते में, भी दी बच्चों को। और यह विलेज देखो यहाँ के, और कुछ बच्चों को यहाँ दे दी, अब जैकेट उतार दी मैंने, और दोबारा पहननी पड़ेगी, हाथ में पानी की बॉटल भी है। और यह विलेज एरिया पूरा यहाँ का, रिमोट एरिया, अब वो लोग कहाँ घूमे, ये देखो भाई वो अच्छी, देखो कितनी प्यारे लग रही है। सर रिमोट एरिया में आता है क्योंकि यहाँ का नेटवर्क और बाकी सुविधाओं से दूर, ना रोड की सुविधा, और ये टेंपल है यहाँ का, ये पूरा गांव का एरिया है, टाइम पास चल रहा है बिल्कुल सबका, मस्त है लोकेशन, सही टाइम पास चल रहा है सबका। लक्की जा रहा है आगे, बड़ी देर बाद सीधी रूट मिली है, है ना, और लग गई यार चलते चलते, आदत से छूट गई है ना इतना पैदल चलने की, मगर यहाँ आके मज़ा बहुत आ रहा है, सुकून मिल रहा है और नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को भी मिल रही है। स्पेशली ये होम्स जो बने हुए ना घर, इनको इनका अलग एक एक्सपीरियंस है। जो हमारे गाइड थे ना, उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था कर दी, पहले तो हम यहाँ आए तो ये एरिया में वो है ही नहीं जो इनका ओनर है, तो पता है मैंने अपना नी कैप भुलाया, पता है लक्की, और मेरे उसी जॉइंट पे दर्द हो रहा है घुटने के, लिगामेंट जहाँ टूटा है मेरा, तो गाइस लिगामेंट टूटा हुआ है मेरा, और फिर भी मैं देख रहा हूँ ट्रैक्स कर रहा हूँ लिगामेंट और पंजे, तो वो वाला सामने वाले घर पर हमारे लिए किया हुआ है रहने की व्यवस्था, और सॉरी ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही खड़ा है, लक्की ने लगाई दौड़, लक्की वहाँ पहुँच गया। मेरे तो क्या होता ना, चढ़ाई में तो दर्द नहीं होता, नीचे उतरते वक्त मेरे घुटनों में जोर पड़ता है, जो कि
मेन वो घुटने में, जिस घुटने का मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है, इस वाले घुटने का, राइट घुटने में, तो बहुत दर्द होता है। कोई नहीं, आज रात यहीं रुकेंगे हम वहाँ, फिर रुकने के बाद आगे की चीज़ें मैं आपको ऊपर पहुँच के बताता हूँ। तो हमारा रुकने का प्लान जो था, वहाँ पे रुक रहे थे, अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो हम यहीं पे रुकेंगे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी। और हम लोगों का ट्रैक था यहाँ से 5-6 किलोमीटर का ट्रैक हम करके आ चुके हैं, और अभी 12-13 किलोमीटर का बचा है। तो वो बोल रहे थे कि आज यहीं स्टे करते, कल मॉर्निंग में निकल के वहाँ से ट्रैक करके घूम के अपना इंजॉय करके वापसी आके यहीं रुकेंगे शाम तक, रात तक, जो भी हम जितना भी लेट होगा हमें आने में, फिर हम यहीं आके रुकेंगे और मॉर्निंग निकलेंगे हम करीबन 6 बजे ना। तो मॉर्निंग 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से वापस सांगरी के लिए निकल लेंगे, और फिर वहाँ से हम अपना एक दिन रुक के फिर दूसरे दिन हम लोग वापसी अपना हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। अब देखते हैं फिर उसमें कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या करते हैं, बाकी चीज़ आपको सब पता रहेगी कि कहाँ कहाँ अपडेट आपको मिलती रहेंगी, हम कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मज़ा आ रहा है ट्रिप में, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का क्या व्यू है। तो ये देखिए गाइस क्या व्यू है यार, समझ रहे हो, फिल्टर लगा के बिल्कुल इतनी क्लियरिटी है, तगड़ा, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो बस ऐसी है गाइस, तो मिलते हैं थोड़ा आराम करने के बाद आप लोगों से जल्दी। तो भाई अब हम लोग, हाँ, तो हम लोग अपना निकल गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि पीछे बिच्छू है, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा अब जब टाइम पे पहुंच गए हैं, तो हमने कहा भाई ने कहा आगे तक थोड़ा घूम के आते हैं, तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं। तो बस हम पैदल पैदल निकल गए, लक्की और मैं, लक्की मेरे पीछे चल रहा है और मैं इधर पर, मैंने टोपी डाल दी क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, तेरा एकदम जुकाम बैठ लग जाता है ना। वेदर तो इतना सेक्सी है भाई यहाँ का, थकाने सारी खत्म हो जा रही है इस जगह को देख के यार, कसम से। देखो डॉगी और ये सारा बिच्छू घास है अपना सिसौन। देखो यार मैंने एक चीज़ सीखी कि मतलब यार महीने दो महीने में या साल में एक या दो बार तो कोई ट्रैक करो, ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाती है, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर। और वो रही वादियाँ, बर्फीले पहाड़, झरने, वो गए भाई। और ये जहाँ हम रुके हैं, ये वो लोकेशन है जहाँ हम रुके हैं। तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, थोड़े सिनेमैटिक शॉट देखो आप लोग, ठीक है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह से और यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। सोने की तैयारी चल रही है और लक्की मैं भी बिस्तर में, और लक्की भी बिस्तर में चले गया, खाना हम लोगों ने खा लिया है, लाइट खुली हुई है क्योंकि भाई का चार्जर लगा हुआ है, तो अभी वो भी आके चार्जर ले जाएगा। और मैं भी बिस्तर में आ गया हूँ, जैकेट उतारता हूँ, जैकेट पहन के लेट गया, फिर याद आया कि जैकेट पहनी हुई है। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक अगर ब्लॉग को देखा है। तो मिलते हैं इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए तो अलविदा, टिल देन बाय 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 बाय, और जैकेट उतारता हूँ फटाफट, बाय बाय।